हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत थेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है कैंडल थेरेपी। जैसे कैंडल हम लिट करते हैं घर में पॉजिटिविटी के लिए, घर की डिवाइन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, और नेगेटिव पावर्स या कोई भी बैड एनर्जी का नाश करने के लिए हम घर में दिया जलाते हैं या कैंडल लिट करते हैं। तो उसी प्रकार से आज मैं जो आपको थेरेपी बताने जा रही हूँ, इस थेरेपी का नाम है कैंडल थेरेपी, जो अभी नवरात्र के 9 दिन के थीम के हिसाब से भी मैंने 9 कलर के कैंडल्स की थीम, जो मेरे काफ़ी सारे नज़दीक के जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैंने दिया था, और उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। तो आज मैं आपको जो कलर्स थेरेपी के हिसाब से कैंडल थेरेपी का लॉजिक समझाने जा रही हूँ, तो आप सब अच्छे से देखिए। जो कलर थेरेपी के हिसाब से जो कैंडल है उसके पर्पजेस मैं बताने जा रही हूँ। तो ये जो सबसे पहला कैंडल है ये ऑरेंज कलर का है। ऑरेंज कलर का कैंडल जो है, ये कैंडल आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देता है, अच्छी हेल्थ देता है, और जो भी आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको ओपन अप करता है। जैसे आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। गोमती चक्र, पीली कोड़ी, कमल गट्टा और फ्लावर्स के, एक्चुअल फ्लावर्स के इसमें फूल डाले हुए हैं, जैसे लीफ डाले हुए हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर की कैंडल है ये आपके स्वादिष्टान चक्र से रिजेंबल करता है। ऑरेंज कलर नाभि के नीचे, जैसे आपके पेट के इश्यूज जो है, करियर में प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं और आपके रास्ते नहीं ओपन हो रहे हैं या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऑरेंज कलर की कैंडल आपको सबसे पहले रविवार से शुरुआत करनी है। संडे का दिन सूर्य भगवान का दिन है और उसका कलर होता है ऑरेंज कलर। तो जैसे मॉर्निंग में जब आप पूजा करते हो तभी आपको ऐसी कोई जगह पे ये कैंडल को लीट करना है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो वहाँ पर आप ये कैंडल को प्रज्वलित कर सकते हो। ये कैंडल जैसे मिनिमम मैक्सिमम जैसे आप देखो तो 20-24 आवर्स तक भी लाइट होती है। डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द पर्सन, डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द हाउस। अगर बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी है तो 8 घंटे में भी ये फिनिश हो सकती है। कई एक्सट्रीम केस में ये कैंडल जैसे बर्स्ट हो जाती है लास्ट में, जैसे या तो कांच का टुकड़ा टूट जाएगा या तो पूरा ब्लैक कलर का फॉग हो जाएगा। वो इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी, या तो आप खुद बहुत नेगेटिव हो, या तो आपके जगह की एनर्जी नेगेटिव है, या कोई बैड एनर्जी है जो इसको होने नहीं देगा। प्रज्वलित होने में बहुत सारी इश्यू आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, बार बार बुझ जाएगी। आप पंखा बंद रखोगे फिर भी बुझ जाएगी। तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज कैंडल का बताया है। इसके अंदर जैसे स्पाइसेस डाले होते हैं, जो कैंडल का जो पर्पस है वो हिसाब से अंदर स्पाइसेस और इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट क्रिस्टल के, जैसे इसमें क्रिस्टल को, क्लस्टर को जैसे रस्ट करके भी इसमें डाला जाता है, तो वो हिसाब से इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। क्रश किए हुए क्रिस्टल्स भी होंगे हर एक कैंडल में। अब सेकंड कैंडल जो मैं बताने जा रही हूँ ये वाइट कैंडल है। इसको सोमवार को आपको प्रज्वलित करना है। सोमवार मतलब चंद्र भगवान का दिन है। सोमवार मतलब पॉजिटिव एनर्जी, मन की शांति, पीस, पॉजिटिविटी, और आपके घर में शांति के लिए आपको सफ़ेद कलर की जो कैंडल है ये आपको मंडे के दिन करनी है। मंडे के दिन प्रज्वलित करनी है। सुबह अगर आप इसको पूजा के समय लगा देते हो तो मिनिमम 12 घंटे तो चलती ही है, और मैक्सिमम ये 24 घंटे भी लेट होती है। वो इंडिकेट करता है आपके घर की एनर्जी के ऊपर प्रज्वलित होती है। कई लोगों का 10-12 घंटा भी चला है, कई लोगों का 24 आवर्स भी चला है। इसमें जैसे छोटे जार्स भी आते हैं, जैसे ये 180 ग्राम्स है, अगर छोटे जार्स आएंगे तो वो मिनिमम आप पकड़ के चलो 4 से 5 घंटे छोटे जार्स भी आराम से प्रज्वलित होते हैं। सेकेंड, इसके बाद जो मैं बताने जा रही हूँ ये है रेड कलर। थर्ड जो कैंडल है रेड कलर है। इसको ट्यूसडे को आपको प्रज्वलित करना है। ट्यूसडे जैसे मंगलवार का दिन है,
मंगलवार का दिन जो होता है वो मंगल देव का दिन है, तो उसका कलर लाल कलर है। और अगर चक्रा का अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आपको रूट चक्रा का मेडिटेशन करना है, जो अपने सात चक्र का सबसे बेस चक्र है उसको रूट चक्र कहते हैं, पेट के नीचे। तो रूट चक्र पे आप जैसे आपके दोनों हाथ रख के आपको मेडिटेशन करना है कि मेरा रूट चक्र ओपन है और मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हूँ और मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है, ऐसा आपको प्रे करना है। और रेड कलर प्रज्वलित करने से आपके घर में हेल्थ सबकी अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी अच्छी होगी और सारे ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं। जो मैं वाइट कलर का बोला था उसमें आपको क्राउन चक्र पे मेडिटेट करना है। ये क्राउन चक्र जैसे इस तरह से आपको मेडिटेट करना है, दैट आई एम पॉजिटिव पीसफुल एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ। उसके बाद जो फोर्थ कैंडल है ये ग्रीन कलर है, हार्ट चक्र के ऊपर आपको हाथ रख के प्रे करना है। मेरा हार्ट चक्र ओपन है, मैं सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हूँ और मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। ये जो कलर है ग्रीन, ये बुध का कलर है, इसलिए बुधवार को इसको लिट किया जाता है, जिससे आपको बिजनेस के ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं और आपके लाइफ में आपको बहुत सारा गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब जो पांचवा कलर है ये येल्लो कलर है, ये नाभि चक्र का कलर है। येल्लो कलर मतलब गुरु का कलर है, इसलिए इसको गुरुवार के दिन आपको प्रज्वलित करना है। गुरुवार के दिन प्रज्वलित करने से आपके लाइफ में अपार धन, अच्छी हेल्थ और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपको मिलती है, क्योंकि ये गुरु का कलर है। अब जो अगला कलर है ये है शुक्र का कलर, पिंक कलर, और ये जो कलर है वो लव और हार्मनी का कलर है। और ये हार्ट चक्र के दो कलर होते हैं, ग्रीन और पिंक। तो जैसे मैंने ग्रीन का आपको बुधवार के दिन बोला और ये पिंक वाला आपको शुक्रवार के दिन प्रज्वलित करके आपको इस तरह से हार्ट चक्र पे आपका हाथ रख के प्रे करना है कि आपके सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, लविंग रिलेशनशिप है और हार्मोनियस रिलेशनशिप है। ऐसा आपको 5 मिनट या 10 मिनट तक मेडिटेट करना है। जब आप कैंडल को लीट करते हो आपको आंख बंद करके एटलीस्ट 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना है। अब जो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कैंडल, इसका कलर है ब्लू कलर, जो शनि का कलर है। और ये ब्लू कलर जो होता है ये ज़्यादा करके जैसे थर्ड आई या तो थ्रोट चक्र का कलर होता है। तो आपको जब ब्लू कैंडल शनिवार के दिन आप लीट करते हो तो आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए प्रे करना है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए प्रे करना है और आपकी अच्छी वाणी और अच्छी स्पीच के लिए प्रे करना है। तो आप 5 मिनट जैसे थर्ड आई के ऊपर मेडिटेट करोगे कि आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से कर रहे हो और एजुकेशन आपका बच्चों का भी अच्छा चल रहा है और आप भी खुद एकदम फोकस और अपने लाइफ में आपको प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन है। और आप जब थ्रोट चक्र पे मेडिटेट करोगे तो आपको प्रे करना है कि आपका थ्रोट चक्र ओपन है और आपके सारे हॉर्मोन्स बैलेंस में है और आपकी वाणी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मैंने अभी जो आपको 7 चक्र से कनेक्ट करके 7 चक्र की कैंडल्स बताई है और आपको वो 7 दिन मतलब आपके 1 वीक के 7 कलर्स के हिसाब से मैंने आपको ये कलर थेरेपी एक्सप्लेन की है। और ये कलर थेरेपी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारा लक, एबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ और अच्छी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।